बहन जी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले रणदीप हुड्डा पर SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग। बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने बड़े आंदोलन का इशारा दिया है। साथियों जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसके साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय दें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। साथियों आज हम बता रहे थे बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश से बड़ी खबर आई है। बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने इन्होंने बड़ी मांग की है, सरकार से कहा है कि जिस रणदीप हुड्डा इन्होंने बैंक कुमारी मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी और भद्दी भाषा का उपयोग करते हुए बहन कुमारी मायावती जी का अपमान किया है, यह केवल बहन कुमारी मायावती जी का अपमान नहीं है बल्कि संपूर्ण बहुजन समाज का अपमान है। और उन्होंने ये कहा है कि इस अपमान को बहुजन समाज पार्टी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेगी और आने वाले समय में अगर रणदीप हुड्डा पर उचित कार्रवाई नहीं होती है, उचित कार्रवाई मतलब कि SC/ST एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं होती है, तो बहुजन समाज पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश की ओर से बड़ा आंदोलन करने वाली है। जैसा कि आप जानते हैं कि रणदीप हुड्डा के इस टिप्पणी के बाद संपूर्ण बहुजन समाज में एक आक्रोश का माहौल चल रहा है। तमाम सारे लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड भी कराया था कि रणदीप हुड्डा को अरेस्ट किया जाए और इस बारे में अलग अलग लोगों ने अपने बयान भी जारी किए थे, क्योंकि बहन कुमारी मायावती जी को सर्वजन समाज के लोग अपना नेता मानते हैं और इस देश के अंदर फुले शाहू बाबा साहब के आंदोलन की मूवमेंट की कमान जो है वो आज बहुजन समाज पार्टी के पास है और वो उसका नेतृत्व बहन कुमारी मायावती जी कर रही है। और ऐसे में रणदीप हुड्डा के इस प्रकार के बयान से संपूर्ण बहुजन समाज के साथ साथ सर्वजन समाज भी जो है वो आक्रोश में नजर आ रहा है और यही आक्रोश अलग अलग राज्यों में नजर आ रहा है, वही आक्रोश महाराष्ट्र के अंदर भी नजर आया। और बहुजन समाज पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट संदीप ताज ने उन्होंने रणदीप हुड्डा पर एट्रोसिटी एक्ट के अनुसार कार्रवाई करने की मांग की है। अगर यह मांग पूरी नहीं होती है तो महाराष्ट्र में बड़ा आंदोलन हो सकता है, ऐसी चेतावनी भी उन्होंने सरकार को दे दी है। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुँचाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।